किसान को कर्जा नहीं माफ किया। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रोज झूठ बोल रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है, भ्रम फैला रहा है। तुम 18 साल में इतने झूठ इकट्ठे हो चुके हैं, 24,000 घोषणाएं मामा जी ने की हैं। और आपको ये मजे की बात बता देता हूँ, आपको ये हमने अभी 3 सच बताए, इन 3 सच को लेके आप उनके सामने जाइए और उनसे पूछ लीजिए कि अगर ये झूठ है तो सिद्ध कर दें। मैं आपको यहाँ से चुनौती दे रहा हूँ, मतलब आपके माध्यम से शिवराज जी के और उनकी सरकार। ये योजना बंद कर दी गई, क्यों बंद हो गई बताएं जरा इसका। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता की प्रेस वार्ता, भाजपा पर किए करारे हमले। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपाई कितने झूठ बोल चुके हैं कि कौए भी काटने से डरेंगे, कमलनाथ के सच ही जनता का विश्वास है। आगे उन्होंने कहा कि शिवराज ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना, किसान खेत तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना बंद की। सत्य की जय है, बदलाव तय है। मध्य प्रदेश में विगत 4 सालों से मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे झूठ झूठ और झूठ के साथ ही अपनी दिनचर्या को अंजाम देती आ रही है। वे कमलनाथ सरकार के काम और उसकी दक्षता से डरकर झूठ को एक काल्पनिक संसार रच रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लगभग 100 बार कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं किया। किंतु विधानसभा में स्वीकार करना पड़ा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। मुंह की खाई मगर नहीं गई मितलाई। आगे उन्होंने कहा कि संबल योजना बंद कर दी, लेकिन विधानसभा में खुद ही स्वीकार किया कि 74,850 हितग्राहियों को 547.3 करोड़ का संबल में लाभ दिया। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिर एक बार और झूठ बोला कि सहरिया भारिया जनजाति समूह से पोषण योजना का पैसा छीना गया। सारे अधिकारियों ने आरटीआई में स्वीकार किया कि पोषण की योजना निरंतर है, कभी बंद नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई, लेकिन इतने सारे झूठ रोज बोलकर भारतीय जनता पार्टी के लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लाइज के प्रोफेसर बन चुके हैं, रेडियो गप्पिस्थान के प्रोग्राम डायरेक्टर बन चुके हैं। भाजपा सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ही अपने नागरिकों से इतने झूठ बोल चुके हैं कि अब कौए भी काटने से डरेंगे। अब तक हमने नर्मदा मैया पर बोले गए झूठ का पर्दाफाश किया है, हमने सहरिया पोषण योजना और संबल योजना का झूठ उजागर किया है, GSDP की असलियत उजागर की है। आज आपके सामने मध्य प्रदेश सरकार की झूठ हितैषी नेतृत्व पंक्ति की तथा मुख्यमंत्री जी के एक और झूठ को उजागर कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना समाप्त कर दी, ऐसा झूठ बोलने में उन्हें कोई लाज नहीं आई। सच यह है कि कमलनाथ सरकार ने 26 अगस्त 2019 को जिला रायगढ़, साजापुर, रतलाम, रीवा, सीधी, कटनी, सागर, बैतूल, होशंगाबाद, दमोह, भोपाल, विदिशा, रायसेन, छिंदवाड़ा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर जिलों के हितग्राहियों को 5 सितंबर 2019 से शुरू होकर 4 अक्टूबर 2019 तक होने वाली तीर्थ दर्शन योजना की अनुमति भेजी। इस योजना के अंतर्गत राम देवरा द्वारका, जगन्नाथपुरी, गया और रामेश्वरम के लिए 3600 यात्रियों की ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद 5 अक्टूबर 2019 से 22 अक्टूबर 2019 से शुरू होकर 6 दिसंबर 2019 तक अमृतसर, पटना साहिब, रामेश्वरम, तिरुपति, द्वारका, शिरडी की तीर्थ यात्रा हेतु 3600 यात्रियों की व्यवस्था की। इसके बाद पुनः 29 जनवरी 2019 को भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह के तीर्थ यात्रियों को वाराणसी प्रयागराज के लिए बुहरानपुर, खंडवा, हरदा, जबलपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, कटनी, परासिया, बैतूल, इटारसी, नरसिंहपुर के तीर्थ यात्रियों के लिए 7 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चलने वाली यात्रा के लिए 3600 बर्थ स्वीकृत की गई।
20 मार्च 2020 को अनैतिक प्रलोभनों और धन लिप्सा में सरकार गिरा दी गई। सौदागिरी से बनी सरकार ने किस तरह कमीशन खोरी और कपट से जनता के धन का दोनों हाथों से लूटा, यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब लगातार दस्तावेजों से झूठ का मुंह काला कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि भाजपा में अगर नैतिकता शेष है तो अपने झूठ के समर्थन में दस्तावेज जारी करें। आगे गुप्ता ने बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से सवाल है कि उन्होंने मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना क्यों बंद की, जिसमें उन्होंने 18 लाख किसानों को जो अपना अनाज उपार्जन सेंटर पर नहीं बेच पाते उन्हें 265 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने किसान खेत तीर्थ दर्शन योजना बंद क्यों की। वे यह भी बताएं कि उन्होंने कमलनाथ की जय किसान फसल ऋण माफी योजना बंद क्यों की। लाखों किसानों को डिफाल्टर बनाया गया, क्या उन्हें किसानों से चिढ़ है? क्या भाजपा किसानों को बर्बाद करना चाहती है? कमलनाथ एक सच्चे नेता हैं, पाखंड ढोंग और नाटकीयता उन्हें नहीं आती, उनके काम ही उनका प्रचार करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने में वह कर दिखाया जो भाजपा 18 साल में नहीं कर सकी। भाजपा सरकार के 250 घोटाले, 24,000 झूठी घोषणाएं ही भाजपा की असलियत है, यही कौरव राज की वास्तविकता है। भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री जी रोज कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने एक भी किसान को कर्जा नहीं माफ किया, 27 लाख किसानों के कर्जे। जांच होनी चाहिए, ये जांच तो खुद मामा जी को करनी चाहिए थी, वो सरकार चला रहे हैं। सरकार का दायित्व तो क्या है कि अगर उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, उनके अधीनस्थ नेता कोई गलती कर रहे हैं तो इसकी जांच पहले प्राइमा फेसी किसे करानी चाहिए? मामा ने क्यों नहीं जांच कराई, इसका जवाब देने चाहिए उनको। 30,000 नकली शादियां करवाई मामा के जो है मंत्री के साढ़ू भाई ने, और 30 करोड़ रुपया खा गया। क्या ये आपको ये मालूम नहीं है कि लॉकडाउन में जो है सरकारी स्कूलों के नाम का पोषण आहार खा लिया गया? 265 रुपया पर क्विंटल का झांसा दिया था किसानों को, मिला क्या? 4 साल में भी करीब 1500 फर्जी घोषणाएं उन्होंने की। बीडी शर्मा जी तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि अगर कोई कांग्रेसी सामने पड़ जाए तो कहो उसके वो वस्त्र फाड़ दे, इतनी उत्तेजना उन्हें आ जाती ये झूठ बोलते वक्त। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग इस प्रदेश की सरकार में, जनता ने जिनको 20 साल बैठने का अधिकार दिया और जिनको जो है आशीर्वाद दिया, वो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने तनाव में हैं कि ऐसा निरंतर झूठ, अपनी योजना नहीं बताते। कमलनाथ ने बंद कर दी योजनाएं, ये कमलनाथ ने बंद करी योजनाएं जिनके मैं आपको जो है दस्तावेज दे रहा हूँ आज। और अब मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस बात का सवाल दें, इनसे भगवान रूठा हुआ है आज, मुख्यमंत्री झूठा है इसीलिए रब रूठा है। करेंगे 18 लाख किसानों को इसमें कम से कम 10-10, 20-20 हजार रुपए का फायदा होगा, बड़ी हुंकारें भर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। मेरा उनसे सवाल है कि ये योजना जब उनको सरकार, उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिराई और धहीं से बैठ गए वो कुर्सी पर माफियाओं की, प्रलोभनों की मदद से, तो उन्होंने ये योजना बंद क्यों की? हमारी कमलनाथ जी की सरकार मार्च 2020 में अनैतिक धन के माध्यम से हटा दी गई। खेत तीर्थ दर्शन योजना, ये खेत तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद हो गई, इसका जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसानों को खेतों के तीर्थ दर्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? क्योंकि सारा एक ही तीर्थ था मध्य प्रदेश में, ये पकड़ी गई चोरी कि सारे किसानों को अपना खेत में ले जाया जाता था दर्शन करवाने के लिए, वही तीर्थ था खेतों में। क्या किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं मामा जी? सारी योजनाएं किसानों की बंद कर दी आपने, किसान खेत तीर्थ दर्शन यात्रा, जय किसान फसल माफी योजना, वो अपने स्वयं के नाम पर बनाई हुई मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना क्यों बंद कर दी ये योजनाएं? आप में से किसी को याद है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये 2018 का पढ़िए आप, अनंत झूठ, झूठ की पराकाष्ठा। उज्ज्वला की महिलाओं को पता भी नहीं होगा कि साहब उनके नाम पर इतनी बड़ी जो है टोपी रख दी है साहब ने,
कि हम जो है 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे उज्ज्वला कनेक्शन की। ये मोदी जी को भी नहीं पता होता, नहीं तो वो हाथ पकड़ लेते कि भैया इतनी मत फेंको। तुम 1250 के रो ना रो रहे, हम 1500 देंगे। ये तो हम पहले घोषित कर चुके हैं, आपसे पहले घोषित कर चुके हैं। तो ये जो है, ये झूठ, ये जो मिक्सिंग है, ये चने में मुरमुरे मिला के जो मामा जी बेचते हैं, ये जो है, ये बहुत गलत और असंवैधानिक और असंगत और एक तरह कहना चाहिए कि तनाव या अवसाद में है कोई सरकार, इस बात की घोषणा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।